वंदे मातरम एक ऐसा कारवां है जो वीरों को नमन करते हुए साहस के रास्ते निकला है। हम आपको ऐसे किस्से सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आप प्रेरित हो जाते हैं कुछ कर गुजरने के लिए। अब जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दरअसल एक ऐसे कमांडो की कहानी है जिसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वो रैंबो था और रैंबो ही रहा। 66 तो उसने विद और छतरी जंप किए। निडर था वो बचपन से ही। बॉर्डर के उस पार जो लोग होते थे तो वो भी डरते थे कि लाल टोपी, क्योंकि नाइन पैरा की मैरून कलर की कैप है। वो इंडियन आर्मी के रैम्बो कहलाते थे। धरती के किसी भी कोने में कोई मिशन ऐसा नहीं था जिसे मेजर सुधीर वालिया पूरा न कर पाए। दुनिया में जहां भी सुधीर गए अपनी छाप छोड़कर आए। मेजर सुधीर वालिया बहुत बहादुर थे, बहुत हिम्मत थी और बहुत जोशीले थे। कभी भी कोई टारगेट मिलता था, कोई ऑपरेशन मिलता था तो खुद वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो वो अग्रेसिव रहते थे। तो हर एक काम में अच्छे रिमार्क्स लाना और यूनिट के लिए भी नाम करना, उसके लिए वो फेमस हो चुके थे। क्योंकि उसके कारनामे अपने क्लास फेलोज से, अपने स्कूल फेलोज से या अलग जो फौजी लोग हैं उनसे जगह जगह सुनने को मिलते थे कि सुधीर ने ऐसे किया, सुधीर ने ये किया, ADC साहब चला गया जनरल मलिक के ADC रहे हैं वो। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते थे लोगों से। मिलना चाहता था, मिल नहीं पाया। ये एक गरीब बच्चे के संघर्ष की कहानी है, संघर्ष अपने सपनों से। वो बच्चा जो बेबसी को देखता था पर बेबसी को समझता नहीं था। वो बच्चा जो जरूरतों को महसूस करता था पर जरूरतों से बोझिल नहीं होता था। वो बच्चा जो अपना लक्ष्य जानता था पर उस लक्ष्य के फासले से परेशान नहीं होता था। पालमपुर में सेना के सूबेदार रूलिया राम का होनहार बेटा सुधीर हिमाचल के एक छोटे से गांव बनूरी के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वहां जमीन पर दरी बिछाकर पढ़ाई कराई जाती थी। क्योंकि गरीब घरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते, स्कूल का कोई यूनिफॉर्म नहीं था। पर जब सुधीर चमकते लाल यूनिफॉर्म में सुबह सुबह दूसरे बच्चों को आते जाते देखते तो इस फर्क को समझ नहीं पाते थे। उसको यहाँ मिनोरी स्कूल में, यहाँ कोई स्कूल नहीं लग रहे थे और इतनी हमारी समर्थन नहीं थी कि हम उनको पालनपुर तक पहुँचाएँ। लेकिन उस वक्त ये एक बैग छोटा सा लेकर और कंधे पर बोरी रखी होती थी और नीचे बोरी बिछानी, रेते में बैठना और पढ़ना। लेकिन पढ़ता ठीक था, स्कूल से आना तो भी अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना। तो उसने बोला, पापा ये सफ़ेद कपड़ों में कैसे कौन जाता है? मैं कह बच्चे जो हैं ये इसमें मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं और कल को ये अफसर बनेंगे। तो उसके दिल में वहीं से एक बात आ गई कि मैं भी अफसर बनूंगा और मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा और मैं भी पढ़ूंगा। तो उसने और जोर लगाना शुरू कर दिया। पिता ने कहा मेहनत करनी होगी तो सुधीर ने इसे ब्रह्म वाक्य मान लिया। इतनी मेहनत की कि बगैर किसी कोचिंग एंट्रेंस टेस्ट पास कर सैनिक स्कूल में दाखिला हो गया। और जब 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी तो इंटरव्यू का बुलावा आ गया। सुधीर टील डॉल से उतने तगड़े नहीं थे जितने बाकी समृद्ध घरों के बच्चे, पर अपनी मेहनत से जल्द ही इस कमी को पूरा कर लिया। लेकिन अब भी एक मुश्किल बाकी थी। जैनपुर में टीचर बड़े अच्छे थे, इंग्लिश में थोड़ा वीक था और अच्छे लाइक थे। मैं उनकी खुशामद की कि ऐसे ऐसे इसका इंग्लिश कम है और इसको इंग्लिश में पढ़ाना है। तो इन्होंने पढ़ाया
तो कुछ दिनों के बाद मैं फिर गया तो बोला कि सुधीर का चिंता मत करो, ये पास है। एनडीए से पास होने के बाद सुधीर को देहरादून स्थित आईएमए में दाखिला मिला, और जहां देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए जाते हैं, वहां पासिंग आउट परेड में उन्होंने अपनी कंटिंजेंट को लीड किया। हमें बहुत दिल खुश हो रहा था और अच्छा लग रहा था जब वो आगे सबसे आगे चल रहा था, अपने स्क्वाड को कंपनी को लीड कर रहा था, जब उसने अपनी तलवार सीधी की तो मैंने बोला अभी मेरा दिल खुश हो गया। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, बोले क्या बात, मैं जब देखो सुधीर को कैसे जा रहा है। एक सिपाही का बेटा जब अफसर बना तो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, और घर ही क्यों पूरा गांव खुश था, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति उस गांव का सेना में अफसर बना हो। सुधीर वालिया की जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा था, अगर कुछ नहीं बदल रहा था तो उनके सपने, सपने देश सेवा के। 11 जून 1988 को वो सेना की जाट रेजिमेंट में कमीशन हो गए। उस वक्त भारतीय सेना श्रीलंका में शांति बहाली मिशन पर थी। 70,000 भारतीय सैनिकों में युवा सुधीर वालिया भी शामिल थे। अपनी बहादुरी और प्रतिभा से उन्होंने वहां भी अपनी छाप छोड़ी। मेजर वालिया का कमीशन 1988 में हुआ था 3 जाट के अंदर, और इस पलटन के साथ वो श्रीलंका में गए जहाँ पे तकरीबन 7,000 हमारे भारतीय सैनिक गए थे इंडियन पीस कीपिंग मिशन के ऊपर। उन्होंने वहाँ पे श्रीलंका में जो कार्रवाई करनी थी उसमें अच्छी कार्रवाई की। श्रीलंका से लौटने के बाद सुधीर को लगा कि वो स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते हैं, एक कमांडो बनना चाहते हैं। उन्हें 9 पैरा में शामिल किया गया। भारत में पैरा ब्रिगेड खास और खतरनाक ऑपरेशंस की स्पेशलिस्ट होती है, और 9 पैरा एक ऐसी बटालियन है जिसे पहाड़ पर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। सुधीर वालिया को अब सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर तैनात किया गया। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर 6-6 महीने के 2 कार्यकाल पूरे किए। 90 तक सियाचिन काफी कठिन था, इतनी फैसिलिटीज, पहुंच के साधन, इतना सब कुछ नहीं था, पर सुधीर एक डेडिकेटेड कमिटेड ऑफिसर से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, और सियाचिन में ना सिर्फ वो बहुत आराम से रहे बल्कि जिस भी ऑफिसर को सपोर्ट कर सकते थे वो किया। 1997 में देश के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज में से सुधीर को चुना गया अमेरिका जाकर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। वहां 80 देशों से आए कमांडोज में सुधीर ने कोर्स टॉप किया। उन्हें अलाबामा स्टेट ने ऑनररी कर्नल की उपाधि दी। यही उन्हें पेंटागन में बोलने का मौका भी मिला। सुधीर के रिटायर्ड सूबेदार पिता के लिए बनूरी गांव से पेंटागन का यह सफर अभूतपूर्व था। अच्छी कंट्रियां थी उसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पर वो उसका वो पड़ा हुआ है पेंटागन में, वहाँ पर उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड आया, और ये फर्स्ट अफसर है जिसने पेंटागन में, पहला आदमी था जिसने, इंडियन अफसर जिसने वहाँ पर लेक्चर दिया था। तो हमें बड़ी खुशी हुई उस वक्त के हाँ इतनी बड़ी जगह जाकर उसने बड़ा अच्छा किया। वहाँ से वापस आया, जनरल बीपी मलिक साहब थे, उन्होंने बोला कि हर इवेंट में जाओ और हर इवेंट को ट्रेनिंग दो, हर एक को बताओ कि वहाँ पर जाकर क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। एंटी टेरर ऑपरेशंस में बहादुरी के लिए सुधीर को अब तक 2 बार सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उनके किस्से आर्मी में सबकी जुबान पर थे, और तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने सुधीर वालिया को अपना एडीसी नियुक्त कर लिया। उस वक्त वो एक एंटी टेरर ऑपरेशन में मिले जख्मों से उबर रहे थे। नॉर्मली जो इंडियन आर्मी चीफ का जो एडीसी सिक्योरिटी होता है वो स्पेशल फोर्सेस के लिए होता है, और उसके लिए हर दफ़ा 2 या 3 नाम जाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड ऑफ सर्विस देखा जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस बेसिस के ऊपर क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा था उनको चुना गया। चीफ के दफ्तर में कई दफा उन्हें छेड़ा जाता था कि 30 की उम्र पार करने पर भी वो कुंवारे क्यों हैं। दरअसल इसकी एक दुख भरी कहानी है जिसका जिक्र जनरल वीपी मलिक ने अपनी किताब में किया है। वे अविवाहित थे और शुरू शुरू में अपने परिवार के विषय में अधिक नहीं बताते थे।
धीरे धीरे हमें उनके परिवार के विषय में पता चला। उनके पिता थल सेना से सूबेदार के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। सुधीर अपनी माँ को बहुत चाहते थे और वो उन्हें दुनिया की हर संभव खुशी देना चाहते थे। उनसे एक छोटे भाई थे जो विकलांग थे और एक बहन थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। भाई बहन में सबसे बड़े होने के कारण वे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार थे। सुधीर अपनी शादी के लिए कोई जल्दी में नहीं थे। ऐसा अवसर नहीं मिल सकता जनु साहब की तरह भी, जो उसको इतना प्यार करता था। मैडम बोल रही थी, वो जब उसके पास गया उसने मिठाई का डब्बा दिया तो मैडम ने बोला, सुधीर बोला, हाँ मैं आपकी एक बात नहीं माना। बोले क्या? बोले शादी नहीं की। बोले मैडम मेरा भाई और मेरी बहन एडजस्ट हो जाएंगे तो मैं शादी करूँगा। चीफ के एडीसी के पद पर सुधीर वालिया को अब तक 2 साल हो चुके थे। इस बीच 1999 में करगिल में भीषण युद्ध छिड़ गया था। उनकी 9 पैरा भी मोर्चे पर तैनात थी, लेकिन वो खुद मजबूर थे एक प्रशासनिक नौकरी करने के लिए। पर उनके जैसा जाबाज दफ्तर में बैठे बैठे युद्ध भूमि में जाने के लिए बेचैन होने लगा। उन्होंने सीधा जनरल वीपी मलिक से बातचीत की। जनरल मलिक ने करगिल पर अपनी किताब में एक पूरा अध्याय मेजर सुधीर वालिया को समर्पित किया है। इस वाक्य पर उन्होंने लिखा, उस वक्त तक मेरे साथ सुधीर का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि उसे उसकी यूनिट के पास भेज दिया जाए जो युद्ध लड़ रही है। मैं उसका जज्बा नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने उसे इजाजत दे दी। जब तक मेजर वालिया को अनुमति मिली, युद्ध अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। वो 18 जुलाई को मोर्चे पर पहुंचे और वातावरण में ढलने के लिए वक्त बिताने की जगह सीधा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये ऑपरेशन था जुलू रिज से पाकिस्तानियों को खदेड़ने का। मशको घाटी में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जुलू रिज। अधिकतर इलाकों से पाकिस्तानी अब पीछे हट चुके थे, पर जुलू में वो भारतीय इलाके पर कब्जे की कोशिश में डटे हुए थे। ऑपरेशन का पहला फेज 22 जुलाई को शुरू हुआ था और दुश्मन पूरे रास्ते में लैंडमाइंस बिछाता हुआ जुलू टॉप पर चला गया था। अब दूसरे फेज में उसे टॉप से भी मार भगाने की बारी थी। इसकी कमान संभाली मेजर सुधीर कुमार वालिया। जब वो एडीसी की ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त कारगिल की लड़ाई शुरू हुई और तब वो जनरल वेद मलिक के साथ ही थे, पर उन्होंने स्पेशल लीव ली और जाकर के अपनी पलटन के साथ कारगिल के अंदर लड़ाई ली और उनकी टीम ने जाकर के जो जुलू रिज था उसको ऑक्यूपाई किया। पहले उन्होंने बेहद सावधानी से रास्ते को क्लियर किया, फिर चोटी पर जो मुकाबला हुआ उसमें 13 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इस कारनामे के लिए मेजर वालिया का नाम वीर चक्र के लिए प्रस्तावित किया गया, लेकिन अभी उनके कारनामे बाकी थे। कंटिन्यूअसली अनमाइंडफुल पर्सनल रिस्क के बारे में, कभी अपने बारे में उन्होंने अपनी सेफ्टी के बारे में परवाह नहीं की। अपने प्रोफेशनलिज्म पे उनको इतना विश्वास था, और अभी भी मेरे सिर के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं सोच करके उनके उनके बहादुरी के चर्चे जो यूनिट के अंदर सम्मिलित हैं। बहुत सी बार हम लोग उनको टोकते हुए थे और शायद डांटा भी है हमने कि थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि जो आग से खेलते हैं वो कई बार आग से जल भी जाते हैं और हम लोग तो मौत से खेलते हैं। पर सुधीर सुधीर थे और कॉन्टीन्यूसली गैलेंट्री के एक्ट करते रहते थे बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। जुलू रिज की कामयाबी के अगले दिन ही करगिल युद्ध के औपचारिक अंत का ऐलान हो गया, भारत की जीत का विजय दिवस 26 जुलाई 1999। मेजर सुधीर कुमार वालिया ने श्रीलंका में भारत का मिशन पूरा किया था। उन्होंने सियाचिन में 2 पोस्टिंग काटी थी, कई एंटी टेरर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। 2 दफा ऐसे ही कठिन ऑपरेशंस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था।
करगिल युद्ध छिड़ा तो वहां पर उन्होंने लैंडमाइन से पूरा इलाका साफ किया था, जुलू टॉप पर कब्जा किया था, दुश्मन को मार गिराया था। उनके दोस्त मजाक मजाक में कहा करते थे कि तुमने अपनी 9 जिंदगियां जी ली हैं, अब सावधान रहा करो। करगिल का युद्ध खत्म हुए करीब 1 महीना बीत चुका था। मेजर सुधीर वालिया 9 पैरा के साथ अब कुपवाड़ा में तैनात थे। जनरल वीपी मलिक अपनी किताब में इसी वक्त की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मुझे दिल्ली लौटे हुए 3 दिन हुए थे। अचानक पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने 15 कोर के जीओसी को फोन लगाया। मैंने उनसे कहा कि सुधीर को कोई भी काम देने से पहले जरा सावधानी बरतना, सुधीर बहादुर है और जरूरत से ज्यादा जोशीला, पर उसे खतरे मोल लेने से रोकना। मेरी पत्नी चौंक गई, मैंने ऐसा पहले किसी के लिए नहीं किया था। पर जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं उन्हें सावधानी रास नहीं आती, कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं जब बहादुरी की जरूरत है। 27 अगस्त को 9 पैरा को खबर मिली कि हफरूदा के जंगलों में चंद आतंकियों ने अपना गुप्त ठिकाना बना रखा है। ये जंगल बहुत ही घने हैं। मेजर सुधीर को इन जंगलों में ऑपरेट करने का अनुभव था। 2 दिन बाद 5 कमांडोज को लेकर मेजर सुधीर वालिया सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। इस कैंप के बारे में सुधीर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की थी, तो वो उस इलाके के अंदर वो गया था और वो कैंप के अंदर बड़ा स्किलफुली टेररिस्ट ने लगाया हुआ था, फॉरेन टेररिस्ट थे और इसके अंदर जो वो खेम सिंह और मेजर सुधीर ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे और एज जैसे सुधीर की आदत है सबसे आगे भी वही था। रात भर वो तलाश में भटकते रहे पर आतंकियों का कोई निशान नहीं मिला। सवेरे एक नहर की बगल से गुजरते हुए उन्हें टूथपेस्ट का ताजा झाग नजर आया। वो समझ गए कि शिकार आसपास ही है। रात की नींद और थकान जैसे काफूर हो गए। पास ही झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक ठिकाना नजर आया। वहां कम से कम 20 आतंकवादी मौजूद थे। कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल के अंदर इन्फॉर्मेशन आई कि बहुत से वहां पे टेररिस्ट गए हुए हैं और वहां पे एक हाइडआउट के अंदर 20 टेररिस्ट थे। मेजर सुधीर अपनी टीम को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने बड़ी नायक खीम सिंह के साथ आगे लग गए और आतंकियों को चौंकाते हुए इन पर धावा बोल दिया। उन्होंने अकेले दम पर 4 आतंकियों को मार डाला। किसी ना किसी स्टेज पे सरप्राइज टूटना और फायर फाइट शुरू हुई। उस फायर फाइट के दौरान जो है खीम सिंह को चोट लगी, फिर सुधीर को चोट लगी। सुधीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपनी ऊपर बहुत भरोसा था। गैलेंट्री जो उसकी साइटेशन है वो क्लियरली बताती है क्या कार्रवाई उसने की, कितनी बहादुरी से वो लड़े। जवाबी फायरिंग में नायक खीम सिंह शहीद हुए। जब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी वो भी पीछे से आ गया, उसने खेमचंद को पहले ले लिया, खत्म कर दिया। सुधीर ने जब बोला खेमचंद तू क्या कर रहा है यार, जब देख रहा खेमचंद दमा पड़ा हुआ है। फिर इसने वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ गया, पहाड़ी थी और उसमें लुटक गया। लुटकने के बाद वहाँ से उसने फायर किया, वहाँ से जवान मारे 8-9 आदमी। जब तक उनके बाकी 4 साथी उनके पास पहुंचे, मेजर सुधीर वालिया को आतंकियों की एक गोली लग चुकी जो उनके पेट को फाड़ती हुई निकल गई। वो भी नहीं पा रहे पर मोर्चा छोड़ने की जगह वो रेडियो सेट के जरिए अपने जवानों को कमांड करते रहे जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया। जहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन लीड किया और 9 टेररिस्ट मारे वहाँ पे, खुद बुरी तरह जख्मी हुए, पर वो डायरेक्ट करते रहे उस ऑपरेशन को जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद ही उन्होंने अपने को इवैक्यूएट करने की इजाज़त दी। आधा घंटा गुजर जाने के बाद ही मेजर सुधीर वहां से निकलने को तैयार हुए। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें फौरन आर्मी बेस अस्पताल ले गया, लेकिन खून इतना बह चुका था कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता।
नहीं तो भगवान को प्यारा था, उसको उन्होंने उसको याद कर लिया, देश से चला गया, वो चला गया। तो वो बोलता नहीं, बस थोड़ी सी गोली लग गई उनको। तो हमने पापा को बोला, पापा भैया पूरे की गोली लग गई उनको। तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने बता दिया कि नहीं, आपके भाई तो आपको छोड़ के चले गए, वो तो शहीद हो गए, चले गए। उनके मानते हैं हम कि उनके माँ बाप के लिए तो एक घाटा है, वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, पर उनसे हमें इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हर बच्चा, मैं सोचती हूँ हर नागरिक जो है, जब इन शहीदों के बारे में सुनता तो वो अपने देश के प्रति अपना जान भी है अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हफरूदा के उन जंगलों में उस दिन मौत को बहुत गुमान हुआ होगा। उसने एक ऐसे अफसर को लील लिया था जो उसे बार बार चुनौती देता था और जीत जाता था। सचमुच मौत उन्हें छू भी नहीं सकती थी, और जब आखिरकार छू पाई तब भी जीत मेजर सुधीर वालिया की ही हुई। वो मरे नहीं, अमर हुए। मेजर सुधीर वालिया ने इतनी बार मौत को मात दी थी कि वो समझ ही नहीं पाए मौत की आखिरी दस्तक। इस वीर योद्धा को हमारा सलाम। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।